सूबाई वजीर सकाफत सयाहत और नवादरात सैयद सरदार शाह ने इटली के आसार कदीमा के माहिरीन की तरफ से महकमा नवादरात के अफसरान को तरबियती वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तारीख आसार कदीमा और साइंस के इम्तजाज से आसार कदीमा के निशानात को ज़िंदगी मिले और वो बोलने लगे कि उनवान से मुनक़िदा वर्कशॉप में इटली के 5 माहिरीन सूबाई आसार कदीमा पर तफसीली ट्रेनिंग देंगे। प्रोफेसर वलेरिया और डॉक्टर मैनेसिरो वो आए थे, मुझसे मुलाकात हुई थी, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास इटली जो है दुनिया में आर्कियोलॉजी आसार कदीमा के हवाले से उनको बड़ी एक्सपर्टीज है, बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो इटली में हैं साइंटिफिक रिसर्च के और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स को यूथ को ट्रेन करने के लिए आप हमें टाइम दें और अपनी एक्सपर्टीज हमें दें। दे एग्रीड, उनने एग्री किया, उनकी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, जैसे उन्होंने कमिटमेंट की कि हम नवंबर में आएंगे तो नवंबर में ही आए। सूबाई वजीर का कहना था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर यकीन रखते हैं, महकमे के अंदर मुकम्मल डीपीसी के बाद असामियों का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। हमारे पास अभी तक तो हिस्ट्री सेंटर का भी काम नहीं हुआ जो हम करना चाह रहे हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है मगर वफाक से जैसे हमें वो मिला तो वो टूटा फूटा हमें मिला, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो नहीं मिली, हमें वर्क फोर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास। सरदार शाह का मजीद कहना था कि सकाफत को उजागर करने के लिए इस 3 रोज़ा ट्रेनिंग का इनेकाद इटली के कौंसल जनरल के तआवुन से किया गया। ट्रेनिंग में आसार कदीमा की थ्योरी और प्रैक्टिस, ज़रूफ़ मिट्टी के बर्तन की निगहदाश्त, आसारों की खुदाई की साइंस समेत दीगर उलूम व स्किल्स की तरबियत दी जाएगी। इटालियन माहिरीन वर्कशॉप के हफ्ते को भंभूर का दौरा भी करेंगे। कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ KM अब्बासी, मेट्रोवन न्यूज़ कराची। जाने पहले सुनत वल जमात के मरकजी रहनुमा लामा औरंगज़ेब फारूकी कहते हैं कि मौलाना यूसुफ के कत्ल में इंसाफ नहीं मिला तो